हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन वीडा वी1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर से करने वाले हैं। अगर आप इन दिनों कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये भी दोनों आपकी पसंद बन सकती है, जिसमें से बजाज चेतक काफी पहले से इंडियन मार्केट में लगभग 2020 से ही मौजूद है, लेकिन जो वीडा वी1 प्रो है अभी लेटेस्ट हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या फीचर्स मिल जाते हैं, ज्यादा रेंज कौन देती है, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ये सारी बातें आपको डिटेल बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट कलर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बजाज चेतक को अगर आप इस समय खरीदने जाएंगे तो चार कलर ऑप्शन के साथ मिल जाएगा, जिसमें ब्रुकलिन ब्लैक, हेजलनट, इंडिगो मेटेलिक और वेल्यूटो रोसो आपको चार कलर ऑप्शन के साथ मिल जाती है। तो ये वीडा वी1 प्रो आपको टोटल पांच कलर ऑप्शन के साथ मिल जाएगा, जिसमें व्हाइट, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ब्लैक, ये आपको पांच कलर ऑप्शन के साथ मिल जाती है। तो ज़्यादा कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे जरूर वीडा वी1 प्रो मिल जाती है, लेकिन डिजाइनिंग की अगर बात करें तो बजाज चेतक का लुक आप काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, काफ़ी क्लासिक सा रेट्रो डिजाइनिंग की ये स्कूटर आपको इलेक्ट्रिक सेगमेंट में देखने को मिल जाती है, जहाँ पे फ्रंट में राउंड शेप का हेडलैम्प सेक्शन आपको मिल जाता है और हेड के बीच में आपको बजाज चेतक का लोगो मिल जाएगा। फ्रंट एप्रन पे भी काफ़ी अच्छी क्रोम की फिनिश दी गई है, टर्न इंडिकेटर लाइट भी काफ़ी अलग डिजाइनिंग की आपको देखने को मिल जाती है। साइड व्यू की बात करें तो यहाँ से इसके साइड से लुक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेटल का बॉडी देखने को मिल जाता है, लेकिन कोई भी ग्राफिक्स यहाँ पे नहीं दी गई है। फ्लोरबोर्ड पे स्पेस भी दिया गया है, सीट इसमें काफ़ी यूनिक सा मिल जाता है, सीट में ही आपको इंटीग्रेटेड हुक भी देखने को मिल जाता है, पीछे ग्रैब रेल दिया गया है। तो अगर इसके रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी यूनिक डिजाइनिंग का टेल लैंप सेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इसका लुक देख सकते हैं। तो ये वीडा वी1 प्रो अगर लेते हैं तो इसकी डिजाइनिंग थोड़ा सा आपको स्पोर्टी सेगमेंट में स्कूटर जो आती है वैसी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट एट पे आपको वाइजर मिल जाता है और टर्न इंडिकेटर लाइट आपको मोटरसाइकिल टाइप की देखने को मिल जाती है। फ्रंट एप्रन पे आपको नई DRS और नई हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरबोर्ड पे स्पेस भी ठीक ठाक दिया गया है, यहाँ पे जो सीट दी गई है स्प्लिट डिजाइनिंग की मिल जाती है, इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल इसमें दिया गया है और साइड में वी1 प्रो का बैजिंग भी दिया गया है। तो इसके रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको टेल लैंप सेक्शन थोड़े से अच्छे डिजाइनिंग के साथ देखने को मिल जाती है। तो दोनों का आपने लुक देख लिया है, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, जिसका लुक आपको पसंद है उसको ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस सेगमेंट की स्कूटर आपको पसंद आती है, क्लासिक रेट्रो डिजाइनिंग की पसंद आती है या फिर स्पोर्टी सेगमेंट की पसंद आती है, तो जो आपको बेहतर लगे उसको आप ले सकते हैं। बाकी दोनों के मोटर पावर की अगर बात करें तो बजाज चेतक में BLDC हब मोटर लगा हुआ है और ये गियर पे काम करता है, इसमें ना कोई बेल्ट ना कोई चेन, ये सारी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है, यूनिक सॉलिड गियर ड्राइव इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और इसके जो मोटर है 4.08 kW का पावर जनरेट करता है, तो ये वीडा वी1 प्रो में आपको जो मोटर दी गई है ये 6 kW की पावर जनरेट करती है, तो ज़्यादा पावर वाली आपको स्कूटर वीडा वी1 प्रो मिल जाती है। तो अगर बैटरी की अगर बात करें तो बजाज चेतक में 3 kW का लिथियम आयन बैटरी पैक लगी हुई है, जो कि फिक्स बैटरी है, इसकी बैटरी को आप निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन वीडा वी1 प्रो लेते हैं तो इसमें आपको 3.94 kWh की बैटरी पैक मिल जाती है, इसकी बैटरी को आप निकाल सकते हैं, बूट स्पेस में दिया गया है और घर पर भी ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बैटरी फिक्स और रिमूवेबल का अंतर देखने को मिल जाता है। बाकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो बजाज चेतक 0 to 100% चार्जर में 5 hours का समय लेती है, तो वीडा वी1 प्रो 0 to 80% तक 5 hours 55 minutes में चार्ज होती है। तो वीडा वी1 प्रो में बड़ी कैपेसिटी की बैटरी लगी हुई है, तो इसीलिए चार्ज करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही है। बाकी रेंज की अगर बात करें तो बजाज चेतक जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इको मोड में 90 km/h की रेंज देती है, लेकिन वीडा वी1 प्रो जो IDC रेंज है सिंगल चार्ज में 165 km/h की है। ट्रू रेंज थोड़ा सा कम होता है, फिर भी ट्रू रेंज जो होगी बजाज चेतक से ज़्यादा होगी, तो रेंज के मामले में वीडा वी1 प्रो थोड़े से आगे जरूर है। बाकी टॉप स्पीड की अगर बात करें तो बजाज चेतक की टॉप स्पीड 70 kmph तक है, लेकिन वीडा वी1 प्रो के जो टॉप स्पीड है वो आपको 80 kmph तक देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो बजाज चेतक है 0 to 40 kmph तक रफ्तार 4.5 seconds में पकड़ लेती है, तो वहीं वीडा वी1 प्रो 0 to 40 kmph रफ्तार 3.2 seconds पकड़ लेती है, यानी कि इनिशियल जो पिकअप है ये भी आपको वीडा वी1 प्रो में बेहतर देखने को मिल जाती है बजाज चेतक के मुकाबले में। बाकी सस्पेंशन की अगर बात करें तो बजाज चेतक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है, तो ये वीडा वी1 प्रो के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में स्प्रिंग जो कि सिंगल दिया गया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी फीचर्स की भी बात कर लेते हैं कि फीचर्स आपको क्या देखने को मिल जाती हैं, कौन सी ज़्यादा फीचर्स के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है। तो बजाज चेतक में CBS दिया गया है और वीडा वी1 प्रो में भी आपको CBS देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बजाज चेतक में LED लाइट के साथ LED DRS दिया गया है और काफ़ी यूनिक यहाँ पे आपको DRS देखने को मिल जाता है। तो वीडा वी1 प्रो में भी आपको ऑल LED लाइट मिल जाता है और यहाँ पे भी DRS LED लगा हुआ है। बजाज चेतक में बूट स्पेस 18 L की दी गई है, लेकिन वीडा वी1 प्रो में आपको 26 L का बूट स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पे बेहतर स्पेस बूट में वीडा वी1 प्रो में दी गई है। बजाज चेतक में आपको राउंड शेप का मीटर कंसोल फुली डिजिटल मिल जाता है,
यहाँ पे स्पीड, बैटरी, ऑडोमीटर, क्लॉक, मोड, ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये ऐप कनेक्टिविटी के साथ भी आती है, जहाँ से लोकेट माई बाइक, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको एक की फॉब मिल जाता है, जिससे कि आप अपने स्कूटर 30 मीटर के रेंज में रहेंगे तो स्कूटर लॉक ऑन लॉक कर सकते हैं। तो ये वीडा वीएम प्रो लेते हैं तो इसमें आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 7 इंच टच स्क्रीन मिल जाती है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी के साथ ये भी आती है, जहाँ पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, मोड, बैटरी, रेंज, ऑडोमीटर, ट्रिप, टेम्परेचर, क्लॉक, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है थोड़ी सी बेहतर वीडा वीएम प्रो में जरूर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जाता है। इसके अलावा वीडा वीएम प्रो में भी आपको एक की फॉब मिल जाता है, जिससे कि आप रिमोटली स्कूटर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो दोनों में ये फीचर्स आपको मिल जाती है। बजाज चेतक में दो राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिसमें इको स्पोर्ट शामिल है। तो ये वीडा वीएम प्रो में आपको 4 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, जिसमें इको, राइड, स्पोर्ट और एक कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाता है। बजाज चेतक में आपको रिवर्स मोड मिल जाता है, जो कि वीडा वीएम प्रो में भी आपको रिवर्स मोड दी गई है। इसके अलावा बजाज चेतक में फ्रंट में स्टोरेज दिया गया है, जो कि लॉकेबल है, और यहाँ पे यूएसबी सॉकेट भी दिया गया है, जहाँ से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये वीडा वीएम प्रो में भी आपको यूएसबी सॉकेट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट में स्टोरेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा वीडा वीएम प्रो में आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर मिल जाता है, यानी कि बिना थ्रोटल दिए किसी कॉन्स्टेंट स्पीड पे स्कूटर बिना थ्रोटल दिए चल सकती है। ऐसा फीचर आपको बजाज चेतक में नहीं मिलता है। तो फीचर्स में यही आपको डिफरेंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे फीचर्स के मामले में जरूर वीडा वीएम प्रो थोड़े से आगे है। इसके अलावा वीडा वीएम प्रो में SOS यानी कि इमरजेंसी स्विच भी मिल जाती है, जो कि आपको बजाज चेतक में देखने को नहीं मिलेगी। तो यही फीचर्स में डिफरेंस इन दोनों स्कूटर से मिल जाती है। 2 से 3 ऐसे फीचर्स हैं जो कि वीडा वीएम प्रो में एक्स्ट्रा दिए गए हैं। बाकी आगे इन दोनों के वारंटी की बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा आपको वारंटी दे रही है। तो बजाज चेतक की जो बैटरी है, इस पर आपको 3 ईयर्स या फिर 50,000 किलोमीटर जो पहले आ जाए उस पर आपको वारंटी दी जा रही है। तो वीडा वीएम प्रो है, इस पर आपको बैटरी पे 3 ईयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर जो पहले आ गए उस पर आपको वारंटी मिलेगी। यानी कि जो वारंटी है बैटरी पे बजाज चेतक पे थोड़ी से ज़्यादा किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाती है। बाकी प्राइसिंग की बात करें, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है, किसकी क्या प्राइस है, तो बजाज चेतक का जो एक्सरूम दिल्ली प्राइस है 1,51,958, यानी कि 1,51,958 रुपये तक है। तो ये वीडा वीएम प्रो का जो एक्सरूम प्राइस है दिल्ली में 1,59,000 रुपीज़, यानी कि 1,59,000 रुपये तक है, जो कि ये प्राइस फेम सब्सिडी के बाद है। स्टेट सब्सिडी मिलती है तो इसकी प्राइस थोड़ी सी और भी कम हो जाएगी। तो ये आपको प्राइसिंग इन दोनों स्कूटर्स का इलेक्ट्रिक सेगमेंट में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे प्राइस के मामले में वीडा वीएम प्रो 7 से 8 हज़ार रुपये तक ज़्यादा महंगी है, लेकिन आपको रेंज बजाज चेतक के मुकाबले में ज़्यादा देखने को मिल जाती है, फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, स्पीड आपको बेहतर मिल जाती है वीडा वीएम प्रो में बजाज चेतक के मुकाबले में। तो प्राइस ज़्यादा देंगे तो थोड़ा सा फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, रेंज भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो इन स्कूटर्स के बीच में जितने भी डिफरेंस था, जितने भी फीचर्स मिल जाते हैं, जो प्राइसिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, अब आपको जो पसंद आए उसको ले सकते हैं। बजाज चेतक का जो शोरूम है वो आपको बजाज ऑटो के शोरूम पे आपको ये बजाज चेतक मिल जाती है, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। वहीं वीडा वीएम प्रो अभी फिलहाल लॉन्च किया गया 3 सिटी के लिए, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर और जयपुर है, और 31 अक्टूबर तक प्री बुकिंग का लास्ट डेट है, और दिसंबर के 2nd वीक में इसका आपको डिलीवरी मिलेगी। लेकिन बजाज चेतक नज़दीकी शोरूम पर जाएंगे, अगर मौजूद होगा आपको तो ये मिल जाएगा अभी। तो इन दोनों में से जो आपको पसंद है उसको ले सकते हैं। आपको इन दोनों में से कौन सी बेहतर लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।